टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों क्रिकेट से काफी दूर चल रहे हैं, पर माना जा रहा है कि धोनी जल्द क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। धोनी के फैंस को उनसे जुड़ी कई बातें पता होंगी, लेकिन क्या आपको उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें पता हैं? अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको वही चीज बताएंगे। धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट विश्व विख्यात है, लेकिन इस शॉट का इजाद उन्होंने खुद नहीं किया था। धोनी ने ये शॉट अपने दोस्त और साथी क्रिकेटर रहे संतोष लाल से मारना सीखा था। धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक है, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी कैसे मिली। 2007 में सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की कप्तानी के लिए धोनी का नाम सुझाया था, जिसका कारण उनका शांत स्वभाव और साथी खिलाड़ियों के साथ दोस्ताना समीकरण था। धोनी जब भी मैदान पर बड़े शॉट खेलते हैं तो उनके फैंस और कमेंटेटर बोलते हैं माही मार रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत उनके क्रिकेट खेलने के शुरुआती दिनों से ही हो गई थी। धोनी पर बनी फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी के आधिकारिक रिसर्च के हिसाब से उनके लिए ऐसा सबसे पहले उनके स्कूल के जूनियर्स ने कहा था, जो अब हर जगह प्रचलित हो गया है। टीम इंडिया में शामिल होने से पहले धोनी ने 2001 से 2003 तक पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की नौकरी किया करते थे, जहां अब उन पर करोड़ों रुपए की बरसात होती है, लेकिन उस समय इस नौकरी के लिए उन्हें 5000 रुपए महीना सैलरी मिला करती थी। अगर आप सोचते हैं कि टीम इंडिया में शामिल होने के बाद धोनी के मुलाकात साक्षी से हुई है तो आप गलत हैं। धोनी के पिता पान सिंह और साक्षी के पिता रांची में भारत सरकार के स्टील उत्पादन का कारखाने में काम किया करते थे। साक्षी और धोनी रांची के डीएवी श्यामली स्कूल में पढ़े थे, लेकिन बाद में साक्षी के पिता केनोई ग्रुप की बीनागुरी चाय कंपनी में कार्यकारी निर्देशक बने, जिसके चलते उनका पूरा परिवार उत्तराखंड के देहरादून में जाकर बस गया। इसके बाद 2007 में इंडियन गार्डन में भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट मैच के दौरान होटल में दोनों की मुलाकात हुई, जिसका जिक्र फिल्म में भी किया गया है। इसके बाद दोनों ने करीब 3 साल एक दूसरे को डेट किया और 2010 में जाकर माही ने साक्षी के साथ शादी के बंधन में बंध गई। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।